मेक इन इंडिया। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज तारीख 8 तारीख है, 8 दिसंबर, और कोचिंग डेपो में आ गई है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अंदर से कैसे होती है वो बता दो। ये इंजन है, लेकिन इसको इस कोच को बोलते हैं DTC, ड्राइवर ट्रेलर कोच। तो देख सकते हैं अंदर से कैसे रहता है। इधर देख सकते हो 2 माइक, स्पीड बढ़ाने के लिए, ब्रेकिंग, वो पूरा सिस्टम जो है अंदर से, और लोको पायलट के लिए एकदम कंफर्टेबल सीट्स। डोर भी बहुत अच्छा है और फुल एसी है एकदम, मतलब अब लोको पायलट के ख्याल में रखते हुए सब। और कैमरा भी है। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं एक और डोर दिख जाता है, और ये बाकी का सिस्टमेटिक काम जो रहता है वो है इधर। और ये है चेयर कार दोस्तों। तो इधर एक LED स्क्रीन रहती है दोस्तों, ये भी बंद है। तो ये C1 लिखा है, चेयर कार 1, वेलकम टू इंडियन रेलवेज। तो ये देख सकते हैं। तो चेन पुलिंग का काम नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट से स्विच अलार्म दबाने का ही काम है। रुकी हुई है तो रुकना है तो गाड़ी। और इमरजेंसी में अगर ग्लास को तोड़ना है तो इधर मार के तोड़ सकते हैं। डाइनिंग टेबल भी देख सकते हो दोस्तों, एडजस्टमेंट होता है इसका, ऐसे खुलता है। सीट्स भी कंफर्टेबल है इतनी एकदम से। तो चलो दूसरे इधर दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो टॉयलेट, एकदम 5 स्टार होटल जैसा एकदम टॉयलेट है। डस्टबिन भी एकदम अलग, नए टेक्नोलॉजी के साथ डस्टबिन भी दिया है। वेस्टर्न टाइप टॉयलेट है। और इधर हैंड वॉश के लिए सोफे और एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है। और देख सकते हैं स्लाइडिंग वाला डोर है दोस्तों। और ये जो एक कोच से दूसरे कोच में एंटर करते हो तो ऐसा लगता भी नहीं है कि दूसरे कोच में एंटर कर रहे हो। तो चलिए, और ऑटोमेटिक सेंसर का डोर दोस्तों, ये चेयर कार 2 है, अभी अभी नहीं आई है। तो देखो इसकी रैपिंग, अब पन्नी भी निकाली नहीं है अभी, वो भी चालू है काम। फुल एसी है दोस्तों, देख सकते हो कैमरा वैमरा सब लगे हुए इसमें। और फर्स्ट एड किट भी रहे दोस्तों इसमें। और एक अलग से एक फंक्शन मिला इसमें, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट ETBU। मतलब अगर इमरजेंसी में अगर लोको पायलट से बात करनी हो तो कर सकते हो। AC3 है दोस्तों। दोस्तों वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। सेंसर वाले डोर है दोस्तों, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। जैसे आप आते हैं उधर से ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं। देख सकते हैं ये चेयर कार 4 है दोस्तों। पूरा
देख सकते हो, इधर से दिख भी नहीं रहा है गाड़ी जुड़ा है कि नहीं है एक को दूसरे को से। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली खुल जाता है डोर। तो दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक डोर सिस्टम अपने आप ओपन होता है। तो ये है C6 चेयर कार 6। ये है C7 दोस्तों चेयर कार 7। तो इसमें जो हथौड़ा दिया है दोस्तों आपातकालीन परिस्थिति में शीशा तोड़ने के लिए, इसका स्टाइल अलग ही है दोस्तों, अलग तरीका का हथौड़ा है दोस्तों, हैमर है दोस्तों। और सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव क्लास है गाइस। ये है एग्जीक्यूटिव चेयर कार एसी वाली, तो देख सकते हो क्या। तो गाइज ये एग्जीक्यूटिव चेयर कार की जो सीट्स है ये पूरा 180 डिग्री तक घूम जाती है। तो देख सकते हो पूरी घूम रही है 180 डिग्री। और अगर अपने फैमिली के साथ आए हो तो पूरा फैमिली के साथ चारों सीट में बैठ सकते हो। ये देखिए पूरा एकदम आमने सामने हो जाता है। और एक खासियत इनमें बहुत अच्छी से दी गई है कि जो चार्जर की सुविधा है वो एकदम सीट के पास ही दी है, मतलब फ़ोन इधर उधर रखने को कुछ बात ही नहीं होगी। ये एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार वाला फर्स्ट वाला वो भी है कोच है वो आगे में है। और जो देख सकते हो ये ऑटोमेटिक डोर है ओपन होता है सेंसर वाला डोर, ये देख सकते हो ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाता है। और ये देखिए सीट एकदम कंफर्टेबल सीट है। और ये देख सकते हो पूरा तरीके से ऑटोमेटिक ये देखिए डोर बंद हो गया। और इसमें कुल मिला के सीट्स एग्जीक्यूटिव चेयर कार में कुल मिला के सीट्स होती है 52 सीट्स होती है कुल मिला के। और ये टी टेबल भी देख सकते हो पूरा लोहे का बना है दोस्तों, ये मतलब मेटल का एकदम बहुत अच्छी तरीके से। और हर जगह मतलब एक कोच में दो सीसीटीवी लगे हुए हैं। ओपन हो गया ऑटोमेटिक तरीके से, ये देख सकते हो इधर भी टी टेबल दिया गया हुआ है जो एकदम एलईडी स्क्रीन के सामने बैठे हुए उनके लिए दो जगह देख सकते हो। और पूरा एकदम से इसमें मैग्नेट लगा हुआ है तो मैग्नेट के मदद से एकदम से चिपक जाता है, ये मैग्नेट है इधर लगा हुआ देख सकते हो, आवाज भी आता है। विंडो देख सकते हो दोस्तों इसकी इतनी बड़ी है कि बाहर का पूरा व्यू एकदम से साफ साफ नजर आता है। और ये अगर धूप आती हुई होगी तो ये भी लगा सकते है। तो बहुत एग्जीक्यूटिव चेयर कार है तो बहुत एकदम सुविधा इसमें से बहुत अच्छी है। तो भैया कैसा लग रहा है इसमें बैठ के, एकदम कंफर्टेबल कैसा है? एकदम सब बढ़िया है इसमें बैठने के लिए। और क्या बोले पता ही आप भी, बहुत सही लग रहा है इसमें बैठे हुए। और जो सफर रहेगा अपना वो आराम रहेगा, जल्दी जो दूरी रहेगी वो ज्यादा जल्दी पहुंचा देगी अपने जब जाना होता। ठीक है ठीक है, ऑटोमेटिक डोर। और इधर से फिर से लग गया चेयर कार वाला डिब्बा C8। तो बस ऐसी है वंदे भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस इस तरह की है वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये 11 तारीख से लगभग मतलब 11 तारीख से बिलासपुर टू नागपुर के लिए रवाना होगी, शुरुआत होगी उसकी। और बिलासपुर टू नागपुर 5.5 घंटे की जर्नी होगी दोस्तों।
और उसमें चार मतलब चार अब स्टेशन रहेंगे, स्टॉप रहेंगे ये बता रहे हैं। तो पहला स्टॉप रायपुर रहेगा बिलासपुर से, दूसरा दुर्ग और गोंदिया नागपुर, ऐसे करके चार स्टॉप रहेंगे। दोस्तों ये भारत की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसका उद्घाटन नागपुर में होगा 11 दिसंबर को, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो गाइज अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।